हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी? आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत। और आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की नॉलेजबल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वीवो वाई 73 की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो और इसके जो फीचर्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं और साथ ही करेंगे यहाँ पर कैमरा टेस्ट भी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर वीवो वाई 73, और यहाँ पर हम बात करें वीवो की तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो फ़ोन है वीवो का वो यहाँ पर आया है। और यहाँ पर हम बात करें इसके थोड़े से फीचर्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो 33 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा, और साथ यहाँ पर तो यहाँ पर आपको 7.35 mm की अल्ट्रा सिम एज ग्लास मिल जाता है, जो कि इसकी प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। और यहां पर आपको साथ में मिल जाते हैं पीछे की साइड में आपको 3 कैमरे। पहला कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का नाइट कैमरा मिल जाता है, और साथ ही आपको 2-2 मेगापिक्सल के 2 कैमरे। अगर यहां पर हम बात करें इसके प्रोसेसर की एंड रैम की तो यहां पर आप देख सकते हो इसकी जो रैम है वो 8 GB है और 128 GB यहां पर अवेलेबल, और यहां पर आप इसको चाहते हो 6 GB में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहां पर साथ ही देख सकते हो यहां पर आपको 3 GB जो एक्सटेंडेड रैम है वो यहां पर आपको साथ ही देखने को मिल जाती है, और काफी अच्छा फोन होने वाला है। तो चलो अब हम फोन को देखते हैं और वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम जो फोन को यहाँ पर निकालेंगे एंड देखने वाले हैं जो फोन है वो कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फोन, तो सबसे पहले आपको इसको ऊपर एक बॉक्स मिल जाएगा, तो इस बॉक्स को निकालते हैं। और बॉक्स में निकालने के साथ अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है एक यहाँ पर आपको इसका केस मिल जाता है, काफ़ी सॉफ्ट है। और यहाँ पर साथ ही आपको देखो तो और पिन मिलने वाली है, तो इसको हम रखते हैं पहले साइड में। और साइड में रखने के बाद गाइस यहाँ पर देखो तो फोन हमारा इसमें आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही फोन है, फोन को भी यहाँ पर हम साइड में रखते हैं उससे पहले। और यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे जाओगे तो नीचे आपको यहाँ पर जो है एक चार्जर मिल जाएगा 33 वाट का फास्ट चार्जर। तो ये है गाइस यहाँ पर देख सकते हो वीवो का 33 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हो तो एकदम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और साथ ही यहाँ पर आपको जो टाइप सी का डाटा केबल मिल जाएगा, तो इसको हम साइड में रखते हैं। एंड साइड में रखने के बाद गाइस जो आप अपने फ़ोन की तरफ आते हैं और फोन देखते हैं जो फोन का लुक है वो कैसा होने वाला है, और जो फोन में फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें आज की वीडियोज़ में होने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा देखना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पे प्रेस करना है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर अगर बात करें हम इसके फ़ोन की तो काफ़ी ज़्यादा, अगर हैंड फील्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गुड फील यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ ही इसका जो लुक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका लुक है एंड डिज़ाइन है तो वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर हम नीचे अगर बात करें इसकी तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप सी का आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, साथ आपको स्पीकर यहाँ पर देख सकते हो, हेडफोन जैक और नीचे माइक 3.5 mm का आपको हेडफोन जैक नीचे की साइड में देखने को मिलने वाला है। और पीछे की साइड का अगर हम बात करें यहाँ पर आपको वीवो का एक लोगो मिल जाएगा, और ऊपर की साइड का अगर यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको कैमरे का सेटअप मिल जाएगा, 3 कैमरे का सेटअप आपको, जो कि पहला कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का, और साथ ही आपको दो मेगापिक्सल के 2 डेप्थ कैमरे मिल जाएंगे, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा विथ फ्लैश के साथ, जो इसका लुक है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमाल का देखने में आपको लग रहा होगा। और साथ ही अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम ऑन ऑफ एंड जो यहाँ पर पावर ऑन ऑफ वाला बटन आपको एक साइड में देखने में मिल जाएगा। और हम कैमरे की बात करें तो कैमरा जो इसका नोच में दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो ओल्ड जो फोनों का लुक है, लेकिन जो फोन है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है, डिस्प्ले एंड जो इसका कैमरे क्वालिटीज़ है वो भी यहाँ पर। तो कई सब चलते हैं फोन की तरफ एंड जो फोन है वो ऑन करके देखते हैं, और जो इसकी डिस्प्ले की क्लैरिटी है एंड जो कैमरा टेस्ट है वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने इसको कर लिया है ऑन, तो ऑन होने के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये ऑन नहीं होता है। और गाइस इसके हम प्राइस की बात करें जो इसका प्राइस है वो यार काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखा गया है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जो है वो 20,990 रुपये का है, जिसमें कि आपको 8 GB रैम मिल जाती है और 128 GB इंटरनल मेमोरी कार्ड मिल जाते हैं। अगर आप लेना चाहते हो 6 GB रैम और 128 GB में तो आपको थोड़ा सा लो प्राइस में मिल जाएगा, और 4,64 में भी आपको ये फ्लिपकार्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो फ़ोन जो कम्प्लीट हमारे देख सकते हो ऑन हो चुका है, एंड यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्लैरिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मस्त लग रही है आप देख सकते हो, और जो है कलर। एंड अगर हम बात करें इसमें गाइस तो यहाँ आपको ये है सुपर एमुलेट में मिल जाता है, इसकी जो डिस्प्ले है वो सुपर एमुलेट भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका रिफ्रेश रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप रिफ्रेश रेट देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो इसका मस्त होने वाला है। और यहाँ पर इससे पहले हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स में, और जाने के बाद वहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं अबाउट फोन में, सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको डिवाइस का नाम मिल जाएगा देख सकते हो वीवो वाई 73। और हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको जो मीडियाटेक का G95 का प्रोसेसर आपको देखने में मिल जाएगा, साथ ही आपको 8 GB रैम मिल जाएगी। और यहाँ पर हम बात करें एंड्रॉइड वर्जन की तो एंड्रॉइड वर्जन जो इसमें वो आपको 11 देखने में मिलने वाला है। स्टोरेज को आपको पता है यहाँ पर आपको 128 GB मिलने वाली है, और साथ ही अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो आपको इसमें 4000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, तो बैटरी काफ़ी अच्छी होने वाली है इसमें। तो देख सकते हो आप फोन का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा, पीछे अगर हम बात करें इसके बैक पैनल की तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर देखते हो, बिल्कुल हैंड फील आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को लगने वाला है। तो यहाँ पर हम चलते हैं कैमरा टेस्ट करते हैं इसका, और साथ ही यहाँ पर देखते हैं कैमरे में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाती है, ब्राइटनेस फुल करते हैं एंड यहाँ पर जो कैमरा हम एक बार यहाँ पर टेस्ट करते हैं।
यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने रख दिया यहाँ पर ये यह कैमरा। और कैमरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कैमरा जो इसका काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है एकदम से बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड में आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को अवेलेबल मिल जाते हैं, जैसे ब्यूटी का अगर यहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हो और स्टाइलिश का। तो ये चीज़ आप में जो है अपने आप में फ़ोन में एक नया फीचर्स है। और यहाँ पर आपको एक नाइट का ऑप्शन मिल जाए। अगर आपको नाइट में फोटो क्लिक करने हैं तो यहाँ पर जो फोटो की क्लैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त आती है और नाइट में आप जो अच्छे फोटो यहाँ पर शूट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें वीडियो क्वालिटी की तो यहाँ पर देखो तो वीडियो क्वालिटीज में आप जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको देखोगे रेफ्रेश रेट एंड वीडियो रिलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको 4K में जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। और फ्रेम रेट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो 4K एंड 30 FPS में दोनों में ही आप जो वीडियो रिकॉर्ड है वो कर सकते हो, 60 एंड 30 FPS दोनों चीज़ों में। अगर हम बात करें यहाँ पर देख सकते हो नीचे की, अगर यहाँ पर हम बात करें फ्रेम रेट की तो यहाँ पर आपको 60 एंड 30 FPS दोनों का है 4K में। और एंड 1000 आप देख सकते हो 4K एंड 1080 और यहाँ पर 720 में दोनों में जो आप है यूज़ कर सकते हो। अच्छी क्वालिटी है यहाँ पर जो आप वीडियो जो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर साथ ही अगर आप मोर पे जाओगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें आपको देखने मिल जाती हैं। 64 मेगापिक्सल का आप जो कैमरा मेन कैमरा इसका रियर कैमरा चला सकते हो। और साथ ही यहाँ पर आपको पैनो, लाइव फोटो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स प्रो और यहाँ पर आपको और भी एक दो ऑप्शन जो मिल जाते हैं। यानी कैमरा तो बिल्कुल इसका मस्त होने वाला है। यहाँ पर कैमरे की अगर हम बात करें तो इसके सैंपल्स जो वो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा, जो इसके सैंपल्स हैं कुछ बैक पैनल और जो इसकी मिड रेंज में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है इसका जो कैमरा है। और जो इसका प्राइस है वो भी काफ़ी कमाल का होने वाला है फ़ोन को देख करके, फ़ोन का जो लुक है एंड जो इसका प्रोसेसर है और जो इसका बैटरी बैकअप है, बैटरी बैकअप भी इसका काफ़ी जो अच्छा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको देख सकते हो हैंड फील जो बहुत ही आपको अच्छा देखने को मिलने वाला है। कैमरे के यहाँ पर आपको मैं दो चार फोटो यहाँ पर सैंपल्स दिखा दूँगा जो आप देख सकते हो। यहाँ पर कैमरे के बैक के एंड जो फ्रंट के दोनों के कैमरे के यहाँ पर जो मिड रेंज के लो रेंज के सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप इस फोन को परचेज करना चाहते हो आपको फ्लिपकार्ट जाकर के परचेज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पे प्रेस करना।